नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस स्टॉक सीरीज में जहाँ पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट एरो इंजन की तरफ से और पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा एरो इंजन को लेके काफ़ी सारा चर्चा चल रहा है और अभी भारत के पास अपनी फ्यूचर जेट्स के लिए एक एरो इंजन को डेवलप करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है और यहाँ तक कि अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी अपनी इंजिन की टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने की बात भी किया जा रहा है पिछले महीने जनलेक्टिक की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था कि अभी जनलेक्टिक की तरफ से भारत के साथ अपनी जी फोरन फोर आई एन एस सिक्स इंजिन की टेक्नोलॉजी को शेयर किया जा सकता है और इसको लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए बातचीत किया जा रहा है अब जैसे कि यूएस एक अनप्रडिक्टेबल पार्टनर है और कभी भी यूएस की तरफ से किसी देश के साथ अपनी इंजन की टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं किया गया था तो इस बात को लेकर थोड़ा डाउट किया जा रहा था कि जन इक्टे की तरफ से अभी जो ऑफर भारत को दिया जा रहा है उसमें जन इक्टिक की फोरन फोर सीरीज के इंजन को भारत में बस लोकली असम्बल किया जाएगा पर अभी इस बात को क्लियर करते हुए जनलेक्टे की तरफ से बताया जा रहा है कि इन इंजिन को अभी सिर्फ असेंबल ही नहीं किया जाएगा बल्कि असल मायने में इनको भारत में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा साथ ही इसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ

अगला अपडेट मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर और अभी हम इसके बारे में कल ही बात कर रहे थे कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए जो आर एफ आई को इशू किया गया था उसकी डेडलाइन को थोड़ा एक्सटेंड करने का प्लान किया जा रहा है अब इसमें अभी तक हमको तीन ऑफर मिल चुका है जिसके बारे में हमने डिटेल में कल हमारे डिफेंस स्टॉक वीडियो में चर्चा किया था और अभी और तीन एडिशनल ऑफर को मिलने की उम्मीद किया जा रहा है जिस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी स्टैंडर्ड की डेडलाइन को एक्सटेंड करने का प्लान किया जा रहा है लेकिन इसी के साथ ही अभी एडिशनल सी टू नाइनटिव एयरक्राफ्ट को खरीदने का जो प्लान था वो कहीं ना कहीं कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है अभी तक कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से छप्पन सी टू नाइनटिव एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था और इनको अभी एवरो एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन बाद में एडिशनल सी टू एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान भी किया जा रहा और अभी तो लगभग पंद्रह एडिशनल सी टू एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ऑर्डर को दिया जाने वाला था जिनको नेवी और कोस्ट गार्ड खास करके मैरिटाइम रोल के लिए ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई करके इस्तेमाल करने वाले थे और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद आगे चल के हम कम से कम मेडिसिन 100 के आसपास सी टू एयरक्राफ्ट को खरीदने वाले हैं लेकिन अभी अगर भारत यहां पर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है तो मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट में जो मार्केट एयरक्राफ्ट कैप्चर करने वाला था वो अभी कैप्चर कर पाएगा वैसे भी सी टू एयरक्राफ्ट की बात करिए टेक्निकली मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर को क्वालिफाई नहीं कर सकता और इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट फिट नहीं होने वाला तो इसका जो डिमांड होने वाला है वो कही कहीं ना कहीं रिड्यूस होने वाला है जबकि इसकी जगह पर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एडिशनल अस्सी को खरीदने का प्लान किया जा रहा है अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से इंडियन नेवी में शामिल होने वाले नए वेसल के बारे में बात करने वाले हैं। पीटीए की तरफ से पब्लिश की गई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी के लिए अभी बनाए जाने वाले पहले मिसाइल कम बैच को लॉन्च किया जा चुका है इस तरीके की पहली वेसल को 24 फरवरी 2023 को में लॉन्च किया गया था और अभी इस तरीके की टोटल हजार तेईस को बनाया जाने वाला है इन को बनाने के लिए जितने भी और मेजर इक्विपमेंट की जरूरत थी उन सभी को इंडेजनस तरीके से सोर्स किया गया था और इसमें कई सारे कंपनी भी शामिल थे और अभी कंप्लीट होने के बाद ये वेसल अपने सेगमेंट में पहले वेसल होने वाले हैं साथ ही इन वेसल की सर्विस लाइफ करीब तीस साल के आसपास होने वाला है और इनको नेवी में इंडक्ट करने के बाद हमारी नेवी की जो भी वॉरशिप्स है उनकी ऑपरेशनल रीच और ऑपरेशनल फायर पावर काफी हद तक बेहतर होने वाला है

पेबिलिटी को काफी तक बेहतर रख सकता है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम